आप सभी को विभव देव शुक्ला का सादर प्रणाम। आप देख रहे हैं डेली बज इंडिया। अगर पति अपनी पत्नी के साथ या पत्नी अपने पति के साथ न रहना चाहे तो क्या उन्हें अदालत की तरफ से साथ रहने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए? अगर अदालत पत्नी की इच्छा के बिना उसे उसके पति के साथ रहने का आदेश दे तो क्या इससे उसके खिलाफ घरेलू हिंसा और शादी में बलात्कार का खतरा नहीं है? इस तरह के सवाल उठाए हैं गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के दो छात्रों ने। कानून की पढ़ाई कर रहे इन दो छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है। इस पर कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर उनकी राय पूछी है। अपनी याचिका में इन छात्रों ने स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 की धारा 22 और हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 9 को हटाने की मांग की है, जिसके मुताबिक अदालत पति या पत्नी को शादी जारी रखने के और शारीरिक संबंध बनाने का आदेश दे सकती है। इसमें लिखा है, जब पति या पत्नी बिना किसी उचित कारण के एक दूसरे से अलग हो गया या हो गई हो, तब एक पक्षकार दाम्पत्य अधिकारों को जारी रखने के लिए जिला न्यायालय में आवेदन या अर्जी कर सकेगा। न्यायालय उस अर्जी में किए गए कथनों की सत्यता की जांच करेगा। अगर अदालत को लगता है कि आवेदन को मंजूर न किए जाने का कोई वैध आधार नहीं है या पति पत्नी के अलग होने का कोई उचित कारण नहीं है तो वह वैवाहिक संबंधों को जारी रखने का आदेश जारी कर सकती है। अलग होने का उचित कारण बताने का भार उस पक्षकार पर होगा जो अलग होना चाहता है। इसमें शिकायतकर्ता को एक डिक्री हासिल हो जाती है जिसमें अदालत दूसरे पक्षकार को वैवाहिक संबंध जारी रखने का निर्देश देता है। अगर दूसरा पक्षकार कोर्ट के निर्देश को मानने से इनकार कर देता है तो उसके खिलाफ प्रॉपर्टी जब्त करने जैसे कठोर कदम भी उठाए जा सकते हैं। कोर्ट उसे सिविल जेल में भी डाल सकती है या फिर तलाक को भी मंजूरी दे सकती है। छात्रों ने इसी प्रावधान को हटाए जाने की मांग की है। उनका कहना है कि हिंदू मैरिज एक्ट का ये प्रावधान असंवैधानिक है। याचिका में कहा गया है कि भारतीय कानून में ये प्रावधान ब्रिटिश शासन की देन है। ब्रिटिशर्स ने ये प्रावधान तब बनाए थे जब पत्नी को अपने पति की संपत्ति माना जाता था, जबकि भारत के किसी भी पर्सनल लॉ सिस्टम में वैवाहिक रिश्ते के तहत यौन संबंध बनाने का अधिकार बहाल करने की व्यवस्था नहीं है। इस कानून की जड़ें सामंती अंग्रेजी कानून में हैं, जिसे साल 1970 में ब्रिटेन ने ही खत्म कर दिया था, लेकिन भारत में ये अब भी लागू होता है। याचिका में ये भी कहा गया है कि ज़्यादातर मामलों में कोर्ट से ऐसी डिग्री पुरुष ही हासिल कर लेते हैं। ऐसे में उन महिलाओं के अधिकार का हनन होता है जो अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती हैं। सवाल यह है कि अब तक इस प्रावधान का इस्तेमाल किया कैसे जा रहा था, क्योंकि किसी शादी में रिश्ते इतने बुरे हो चुके हैं कि पति और पत्नी एक साथ रह ही नहीं पा रहे हैं और न ही उनके बीच संबंध बन पा रहे हैं। तो एक व्यक्ति की तरफ से हासिल किया गया कानूनी आदेश दूसरे को साथ रहने के लिए मजबूर कैसे कर सकता है? इस कानून का इस्तेमाल वैवाहिक संबंधों को जारी रखने के लिए कम और अन्य मकसद हासिल करने के लिए ज़्यादा किया जाता रहा है। भारतीय कानून के तहत अदालत पति को अपनी पत्नी, बच्चों और माँ बाप के लिए मासिक गुजारा भत्ता देने का आदेश दे सकती है। अगर पत्नी ज़्यादा कमाती है तो ऐसा ही आदेश उसे भी दिया जा सकता है। ऐसे ही आदेश से बचने के लिए हिंदू मैरिज एक्ट के इस प्रावधान को हथियार बनाया जाता है। अगर पत्नी गुजारा भत्ते की मांग करे तो पति संबंध ना होने का हवाला दे सकता है। वहीं भत्ता देने की जिम्मेदारी से बचने के लिए संबंधों को जारी रखने की मांग कर सकता है। इसके अलावा संबंध जारी रखने का प्रावधान तलाक लेने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता रहा है। अगर पति या पत्नी के पास तलाक लेने की कोई और वजह ना हो तो इस कानून का इस्तेमाल करके तलाक की मांग की जाती है। पति और पत्नी में संबंध नहीं बन पा रहे हैं या वे साथ नहीं रह रहे हैं, इसलिए तलाक को मंजूरी दी जानी चाहिए। अब एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये प्रावधान महिलाओं के लिए मददगार है या खतरनाक? हालांकि इस कानून में पति और पत्नी को बराबर का दर्जा दिया गया है, यानी दोनों में से कोई भी वैवाहिक संबंध दोबारा बनाने की मांग कर सकता है। लेकिन समाज में अब भी यही देखने को मिलता है कि इस प्रावधान का इस्तेमाल ज़्यादातर पुरुषों की तरफ से ही किया जाता है, पत्नी पर हक जताने के लिए या उसका हक छीनने के लिए। कई महिला कार्यकर्ताओं का कहना है कि ऐसे प्रावधान महिलाओं को जबरन संबंधों में रहने को मजबूर कर सकते हैं, जहां उन्हें घरेलू और यौन हिंसा का सामना करना पड़ सकता है। महिला कार्यकर्ताओं ने कहा कि ये दिखने में बराबरी वाला कानून है, लेकिन महिलाओं को उनकी मर्जी के खिलाफ ससुराल में रहने पर मजबूर करता है। उसे पति की जायदाद की नज़र से देखता है, पति और पत्नी की निजता का उल्लंघन है और शादी के ढांचे को व्यक्तिगत खुशहाली के ऊपर रखता है। साल 2015 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से बनाई गई हाई लेवल कमेटी ऑन द स्टेटस ऑफ वुमन की रिपोर्ट में इस प्रावधान
कि गलत होने की बात कही गई थी। कमेटी ने अपनी सिफारिश में कहा था, जब भी महिला गुजारा भत्ते का दावा करे या हिंसा की शिकायत करे तब पति की तरफ से वैवाहिक संबंधों को जारी रखने के लिए केस दायर कर दिया जाता है। ये प्रावधान मानवाधिकारों के खिलाफ है। किसी व्यक्ति को दूसरे के साथ रहने के लिए मजबूर करना गलत है। यही कारण है कि कई बार इस प्रावधान को हटाए जाने की मांग की जा चुकी है। साल 2018 में फैमिली लॉ में सुधार पर प्रकाशित कंसल्टेशन पेपर लॉ कमीशन ने इस प्रावधान को हटाने की सिफारिश की थी। कमीशन ने कहा था, आज़ाद भारत में ऐसे प्रावधानों की कोई ज़रूरत नहीं है। कानून में पहले ही शारीरिक संबंध न बनाने पर तलाक देने का प्रावधान है। पुरुष और महिला दोनों अब आर्थिक रूप से सक्षम होने लगे हैं। मुश्किल से मिली इस आज़ादी पर ऐसी बंदिशें लगाना जायज़ नहीं है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि इस कानून का दुरुपयोग ही होता आया है। इसी साल मार्च महीने में एक शख्स ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें उसने कहा था कि कोर्ट उसकी पत्नी को दोबारा उसके साथ रहने के लिए आदेश दे। इस याचिका पर जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस हेमंत गुप्ता की बेंच ने सुनवाई करते हुए कहा कि एक महिला किसी की संपत्ति या गुलाम नहीं है, उसे पति के साथ रहने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का है। अप्रैल 2019 में फैमिली कोर्ट ने हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 9 के तहत पति के हक में फैसला सुनाया था। महिला ने दावा किया था कि उसका पति उसे साल 2013 में शादी के बाद से ही दहेज के लिए प्रताड़ित करता है। कोर्ट ने पति को 20,000 रुपये महीने गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया था। इसके बाद पति ने दाम्पत्य अधिकारों की बहाली के लिए याचिका दायर की थी। शख्स ने कोर्ट के फैसले के बाद हाई कोर्ट में गुहार लगाई। शख्स का तर्क ये था कि जब वो अपनी पत्नी के साथ रहने के लिए तैयार है तो गुजारा भत्ता क्यों दिया जाए। हाई कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद शख्स ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जहां बेंच ने सख्त टिप्पणी करते हुए याचिका खारिज कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने उस व्यक्ति से कहा, तुम्हें क्या लगता है, एक महिला क्या कोई संपत्ति है जिसके लिए हम आदेश दे सकते हैं? क्या पत्नी कोई गुलाम है जिसे तुम्हारे साथ रहने का आदेश दिया जाए? इस मामले में महिला की ओर से दलील दी गई थी कि पति गुजारा भत्ता देने से बचने के लिए इस तरह का खेल खेल रहा है। महिला के वकील ने कहा कि गुजारा भत्ता देने के आदेश के बाद ही पति ने फैमिली कोर्ट का रुख किया था। यानी अगर अदालत विवेक से काम लेती है, सभी तथ्यों पर विचार करती है, तो हिंदू मैरिज एक्ट के इस प्रावधान का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।